नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। इंग्लैंड के लेस्टर शहर में इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू लोगों पर हमले का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि बर्मिंघम के स्मिथ विक से दुर्गा मंदिर के बाहर हंगामे की खबर आई है। जानकारी के अनुसार इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स के स्मिथ विक शहर में मंगलवार को स्पॉन लेन में स्थित मंदिर के बाहर करीब 200 कट्टरपंथी मुस्लिम इकट्ठा हो गए थे। इंग्लैंड पुलिस की मौजूदगी में दुर्गा भवन को इस्लामी कट्टरपंथियों ने घेर लिया। इस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा किया। कुछ तो मंदिर की दीवार पर भी चढ़ गए। मंदिर और मंदिर जाने वाले लोगों में खौफ पैदा करने के लिए इन लोगों ने अल्लाह हू अकबर के नारे लगाए, साथ ही मंदिर की ओर मुंह करके गंदे गंदे जैसे इशारे किए। इंग्लैंड की पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने को वहां मौके पर पहुंची, हालांकि वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। उनकी मौजूदगी में ही भीड़ में कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम मंदिर की दीवारों पर चढ़ गए। इतना ही नहीं, अश्लील हरकतें और गंदी गंदी हरकतें करने जैसे इशारे करके उन्होंने हिंदुओं को डराने का भी काम किया। बर्मिंघम के स्मिथ विक से दुर्गा मंदिर के बाहर हंगामे की खबर से पहले लेस्टर में हिंदुओं पर हमला किया गया। इसकी शुरुआत एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद से हुई थी। पाकिस्तान के हारने के बाद हिंदुओं के समूह पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया था। लेस्टर में 18 सितंबर को हिंदुओं के समूह पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया था। इस दौरान अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए मंदिर पर भी अटैक हुआ और उसके ऊपर लगे भगवा ध्वज को भी तोड़कर नीचे गिरा दिया गया। हिंदुओं के समूह पर इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा किए गए हमले में पुलिस अब तक 47 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेस्टर पुलिस ने 19 सितम्बर को ट्वीट कर यह जानकारी दी थी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।